Under the Criminal Procedure Code in India, offences are classified into two categories: and bailable and non-bailable offences. Classification of offences as or bailable or non-bailable is determined by the severity and nature of the offences, as outlined in the Indian Penal Code and the other relevant laws. Bailable or non-bailable offences को लेकर लोगों के अंदर अक्सर ये भ्रम रहता है कि जिस ऑफेंस में बेल मिल जाती है उसे bailable offences कहते हैं और जिस ऑफेंस में बेल नहीं मिलती है उसे non-bailable offences कहते हैं। केस बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसिस में भी ग्रांट किए जाते हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसिस होता है अक्यूज एज अ मैटर ऑफ राइट यहाँ पे बेल मिलना राइट right अक्यूज का वेर इज नॉन बेलेबल ऑफेंसिस आर मोर सीरियस ऑफेंसिस दैट्स वाई बेल इज नॉट ग्रांटेड टू दक्यूज एज अ मैटर ऑफ राइट

However, in case of a non bailable offence, the police do not grant bail. The decision is taken by the judicial magistrate or judge only. In bailable offences, all you need is a furnishing bail bond with or without sureties in order to be granted a bail. On the contrary, in case of non bailable offences, bail may be granted if the court deems fit and proper, considering factors like the gravity of the offences.

नॉन ऑफेंसेस में accused को बेल ग्रांट की जाती है इसके साथ साथ नॉन वेलेबल ऑफेंस में अक्यूज को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जज के सामने प्रोड्यूस करना होता है एट दैट टाइम द हैज अ राइट टू अप्लाई फॉर बेल फॉर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव और लॉयर्स इसके साथ ही अगर पुलिस की कस्टडी में अक्यूज के साथ कोई मिसबिहेव हुआ है तो उसके पास अथॉरिटी होती है टू कंप्लेन अगेंस्ट द सेम बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जज